संविधान दिवस के मौके पर एमपीजे की तरफ से अंजन गांव में भी एक शानदार प्रोग्राम लिया गया, जिसमें हजारों की तादाद में हर धर्म के लोग शरीक हुए और सभी ने संविधान की हिफाजत, उस पर अमल की शपथ ली और ये भी कहा कि अभी संविधान पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, आज़ादी हमें झूठी नजर आ रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश भी की जा रही है, संविधान के दुश्मन मुल्क के दुश्मन है। इस प्रोग्राम में एमपीजे के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हुसैन खान साहब, एमपीजे के मेंबर राजेश बानगर, आरोग्य विभाग के सभापति जिला परिषद अमरावती बलवंत वानखेड़े और एमपीजे के ताल्लुक अध्यक्ष डॉक्टर अहमदुल्ला खान साहब और सभी एमपीजे के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वायरल न्यूज लाइव रिपोर्टर सैयद उमर के साथ मैं मुफ्ती हारून नदवी, जलगांव वायरल न्यूज। आज 26 नवंबर को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर ने पूरे महाराष्ट्र में संविधान दिवस मनाया है और इस संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पे संविधान की जो उद्देशिका है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात कही गई है, जो संविधान की आत्मा है, तो उसको लेकर हमने जो है तो नौजवानों के सामने और सारे लोगों के सामने जो है तो ये बात रखी कि वो संविधान को जो है तो लागू करें, अपने ऊपर भी लागू करें, अपने समाज में भी लागू करें। आज का दिन जो है संविधान सम्मान दिन है, संविधान में सामाजिक न्याय बताया और उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए एमपीजे यानी मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस जो अभी काम कर रहे हैं, तो वो जो भारतीय संविधान है उसका अमल करने के लिए ये प्रचार चालू है। नहीं तो ये अभी ये ऐसा समय आया कि आज़ादी दिख रही लेकिन संविधान का पूरा अमल नहीं हो पा रहा करके ये समय आया बोलने का कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये मिटाने के लिए ये प्रयास एमपीजे कर रहा है हम उनके साथ। संविधान दिवस म्हणून सगळं देशभर पाळला जातो। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आज जी आपल्या देशाला ही संविधान घटना जी सादर केली ती आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यावेळचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ते स्वीकारली आणि त्या घटनेचा अंमल आजपर्यंत आपण सगळे त्या पद्धतीनं जगतो आहे, परंतु त्यामध्ये राजकीय लोक काही ढवळाढवळ करून तुमच्या आपल्या सामान्य माणसाच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करतात, त्यासाठी सामान्य माणसानं सुद्धा आपलं स्वतःचे अधिकार, ज्याला वकील साहेबांनी जे सांगितलं फंडामेंटल राईट्स किंवा ह्युमन राईट्स, ते आपण आपले समजून घेतले पाहिजे आणि आपलं कर्तव्यसुद्धा जाणून घेतलं पाहिजे, म्हणजेच आपल्याला आपल्या अधिकाराची जाणीव निर्माण होईल, आम्ही आपण काय केलं पाहिजे आणि आपल्याला काय करायला पाहिजे हे सहजता आपल्याला आपल्यामध्ये येईल, एवढंच मी सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय भारत।